ऑल राइट, मैं वाराणसी का रुख करता हूँ। हमारे बनारस के ब्यूरो चीफ रोहित सिंह मौजूद हैं और बनारस रीजन में इन्होंने बहुत मेहनत की और एक एक सीट का इन्होंने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया, देखा और हजारों लोगों से बात भी की। रोहित, वाराणसी रीजन में कैसा चुनाव रहा और मोदी जी के इलाके में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या माहौल रहा और किस तरह का चुनाव हुआ और मतदान कैसा हुआ, लोगों ने किन मुद्दों पर और किसे वोट ज्यादा किया? चरण में इस पूरे बेल्ट में चुनाव हुआ, हम बात करते हैं सातवें चरण में जिन सीटों पे चुनाव हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस देखिए मुद्दे से एक अलग चुनाव था। यहाँ जातियों की जो दायरे थे आके यहाँ खत्म हो गए। यहाँ विकास की बातें जो थी चुनाव में, यही कहा जाता है या तो जातिवाद की राजनीति की जाती है या सड़क पानी बिजली या तमाम जो जन सुविधाएं होती वो बात कही जाती है। ये दोनों फैक्टर जो हैं बनारस में आके बनारस की बाउंड्री पे खत्म हो जाते हैं। विकास की बातें इसलिए खत्म हो जाती हैं कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। एक सांसद अपने क्षेत्र को कितना दे सकता है उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी ने यहाँ का सांसद होने के नाते दिया। वो लगभग 48 जनसभाएं यहाँ पे कर चुके हैं अपने दो कार्यकाल में और हर बार बनारस की जनता जितना उम्मीद करती थी उससे कहीं ज्यादा बौछार करते थे, न्यौछावर करते थे वाराणसी की जनता पे। तो यहाँ के लोगों को तो अब ये उम्मीद ही नहीं थी कि हमें ये मिलना है, वो मान के चलते हैं कि इतना तो मिल ही जाएगा। हम तमाम पूरे चुनाव भर जब बनारस के लोगों से हम बातचीत करते थे तो यहाँ के लोग बड़े शान से ये कहते थे, देखो भाई आप कुछ प्रश्न जो है बनारस में मत किया कीजिए, हम लोग क्योंकि सांसद नहीं चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो हम लोग थोड़ा अलग हैं। तो आप समझिए कि जिस क्षेत्र की जनता सांसद नहीं चुनती, लास्ट टाइम मैंने देखा 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पर तकरीबन 63% वोट शेयर मिले। आपके मुताबिक इस बार अभी जो पोलिंग आई है रिपोर्ट वो शाम 5 बजे तक की 54% है। मैं मानता हूँ 1-2% और बढ़ेगा तो 56 तक हो जाएगा वोट शेयर। पीएम का बढ़ेगा या स्थिर रहेगा या घटेगा? देखिए इस बार घटने की उम्मीद है, थोड़ा घटने की उम्मीद है। उसके देखिए दो कारण है। पहली तो अजय राय ने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, एक चीज जानते हुए भी कि परिणाम क्या होना है, उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और सीध मारी करने की पूरी कोशिश की। समाजवादी पार्टी का उनको जबरदस्त साथ मिला, सपा के कैडर के लोगों ने उनका जबरदस्त साथ मिलाया, इसलिए मतदान प्रतिशत मिला। पिछली बार की यदि हम बात करें तो मुसलमानों का वोट जो बट गया था, इस बार समाजवादी पार्टी साथ होने के कारण मुसलमानों का पूरा वोट अजय राय को मिला है, इससे प्रतिशत कम होगा। लेकिन वहां बीएसपी ने तो मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, ये फैक्टर क्या वोट का बंटवारा विपक्ष के कर पाएगा? कोई मतलब नहीं था उस डमी कैंडिडेट का, कोई मतलब नहीं। ओवैसी भी यहाँ दो दो बार आके प्रचार कर चुके हैं, तो ये लोग अगर 1000-2000 मुसलमानों का वोट काट ले तो उसका देखिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो इस बात का हुआ कि मौसम की मार की चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं सह पाई। यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को एक ही निर्देश था कि बाकी सब चीजें छोड़ दो। 3 दिन पहले से तमाम संगठन के लोग काम कर रहे थे कि गर्मी का मौसम है, आप टारगेट रखो, आपको पता है कि आपको वोट देने वाला कौन है, उन्हें चिन्हित करो, पन्ने पर उनकी लिस्ट बनाओ, सुबह 7 बजे से लग जाओ, उनको घरों से निकाल लाओ, घरों से निकाल अगर नहीं लाए तो ये चुनाव में तुम्हारा नुकसान होगा। यहाँ हार जीत के नुकसान की बात नहीं, यहाँ मार्जिन वाले मार्जिन नुकसान की बात है। उसमें भारतीय जनता पार्टी बनारस में असफल रही है, इसलिए जो 63% का मत नरेंद्र मोदी ने पिछले बार पाया था उसमें मुझे लगता है 1-2% की कमी आ सकती है। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है वाराणसी में जितना भी पड़ता है वो कंसोलिडेट होके बटने के बजाय अजय राय पर एक मुस्त गया? जी हाँ, एक मुस्त गया, बांटने की कोशिश बहुत की गई लेकिन बटा नहीं। यहाँ पे लोगों को पता है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए हमें पता है कि हमें कहाँ वोट देना है, हमें अपना वोट व्यर्थ नहीं जाने। ओवैसी यहाँ दो दो बार आए, उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के मुद्दे पे मुसलमान हार जीत को न देखते हुए मुसलमान को वोट करे, मुसलमान को मजबूत करे, जो मुसलमानों की बात करे, क्योंकि सपा या कांग्रेस मुसलमानों की बात नहीं करती है। लेकिन उसके बावजूद भी बनारस का मुसलमान ओवैसी, थैंक यू रोहित, हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम आपको सीधे अजय राय, शुक्रिया आपका। मैं